चाहती हूँ सरकार से कि हमारी जो हम अनुशासन में रहते हैं ना, तो बहुत अनुशासन में रहना सीखते हैं और सिखाते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर बात आती है ना तो वो अनुशासन फाड़ के रख देते हैं। हम अंतिम यात्रा है ये मेरी, अंतिम यात्रा का मतलब समझते हो गया, जो हमारे समाज में पहले होता है जोर, तो वो जोर अब मैं तैयार हूँ। अरे अकेली नहीं होंगी, इसमें भाई भी होंगे, अब की बार भाई और बहने और आएंगी ना, वो भी जोर करेंगी, तो मैं तो अब तो एन मूवमेंट पे हूँ। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद राजस्थान में लगी आग एक बार फिर भड़क चुकी है, और ये आग लगाने उतरी है खुद सुखदेव सिंह गोगा मेडी की पत्नी शीला शेखावत। जी हाँ, हनुमानगढ़ के गोगा मेडी में रहने वाली सुखदेव सिंह की पत्नी का ऐलान है कि वो जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा के सामने जौहर करेंगी। अभी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार से बात चल रही है, हम बात कर लेते हैं, तो देख लेते हैं, इनको भी टाइम दे देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि 3 महीने का अगर सरकार को टाइम दे सकते हैं तो प्रशासन को भी 10-15 मिनट देने में हमारा क्या ही जाता है, क्योंकि हम तो न्यायप्रिय जाति से हैं, हमने हमेशा ही न्यायप्रिय रहना सीखा है और अशांति तो हमने कभी फैलाई नहीं, लेकिन अगर ये उग्र हमारे को करते हैं तो फिर हम हमारी पे आएंगे, क्योंकि मेरी तो ये आखिरी, चाहे नया यात्रा लगा लीजिए चाहे खुद की यात्रा लगा लीजिए, मैं तो जोहर करने के लिए तैयार हूँ, सीएम हाउस जाके अपना जोहर करूंगी, इसमें मेरे समाज के सभी भाई मेरे अंतिम यात्रा में लगा लीजिए या फिर न्याय यात्रा में लगा लीजिए, मेरे साथ आए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं आते तो मैं अकेली चलूंगी। एनआईए की जांच की मांग थी, मांग पूरी हो चुकी है आपकी, दूसरा सुरक्षा मिल चुकी है, तो फिर न्याय यात्रा की क्या जरूरत पड़ी आपको? न्याय यात्रा की सभी जरूरत है, अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, न्याय पैकेज के लिए बोलते हैं कि आपको पैकेज देंगे ये देंगे, चलो हम ये नहीं कहते हमारे को दो, लेकिन वो अजीत बना है, अजीत बना के छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल की है, 5 साल की है, अरे वो तो सड़कों पे आ गए हैं ना बेचारे, अब मुझे मेरे लिए नहीं, मुझे उन भाई के लिए भी न्याय चाहिए, मेरे बच्चे अनाथ हुए हैं, उसके भी तो अनाथ हुए हैं, हमें हमारे लिए नहीं अब तो सर्व समाज के लिए न्याय चाहिए, क्योंकि अगर हमारी अगर इतना फेमस चेहरे को न्याय नहीं मिल रहा है तो अदर समाज में अगर कोई भी घटना होती है तो कहाँ न्याय मिलेगा। इस ऐलान के साथ शीला शेखावत ने हनुमानगढ़ से जयपुर तक पैदल यात्रा शुरू कर दी है। आरोप है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या को 3 महीने बीत गए, लेकिन अब तक भजन लाल सरकार ने कोई भी ठोस फैसला नहीं लिया है, न ही एनआईए की जांच में कुछ सामने आया है। इसी बात पर भड़की शीला शेखावत ने हनुमानगढ़ से जयपुर तक पैदल यात्रा निकाल दी है। जो आपने मांगे रखी थी, क्या उन मांगे, वो मांगे पूरी नहीं हुई आपकी? कहाँ हुई है, 2 मांगे पूरी करी है, एनआईए की जांच की है और हमारे को सिक्योरिटी दी है, अदरवाइज कोई नए अगले तो सुनते ही नहीं है हमारी। तो आप जो बीच में नेता थे आपके, उनसे मिले आप लोग? हम मिल चुके, उन्होंने कहा आज हमारे को 10 दिन का टाइम दो, हमारे को 15 दिन का टाइम दो, हमने 3 महीने का टाइम दे दिया, 3 महीने भी में भी उन लोगों से कुछ नहीं हो पाया है, तो अब हम किस चीज का इंतजार करें बताइए, या तो सरकार हमारा इंतजार कर रही है कि ये क्या करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि हमारी जो हम अनुशासन में रहते हैं ना, तो बहुत अनुशासन में रहना सीखते हैं और सिखाते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर बात आती है ना तो वो अनुशासन फाड़ के रख देते हैं। हम जयपुर पहुंचने के बाद क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? कार्यक्रम बताया ना आपको, अंतिम यात्रा है ये मेरी, अंतिम यात्रा का मतलब समझते हो गया, जो हमारे समाज में पहले होता है जोर, तो वो जोर अब मैं तैयार हूँ, अरे अकेली नहीं होंगी, इसमें भाई भी होंगे, अब की बार भाई और बहने और आएंगी ना, वो भी जोर करेंगी, तो मैं तो अब तो एन मूवमेंट पे हूँ। आपको बताएं कि राजपूत समाज के कई लोगों के साथ इस यात्रा में रेणु कंवर भी शामिल है, जिनके पति और गोगा मेडी के गनमैन अजीत बन्ना की भी उस शूट आउट में मौत हुई थी जिसमें गोगा मेडी मरे थे। दिलाने के लिए अपनी छोटी सी बच्ची को लेके आज सड़कों पे उतर आई हूँ, सरकार को कुछ समझ में नहीं आता, जो अभी तक 90 दिनों से बिल्कुल शांत बैठी है और अभी भी टाइम मांग रही है, तो उसको थोड़ा बहुत तो शर्म आनी चाहिए कि भाई हम ओढ़ते होके रोड पे आ गई अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, तो थोड़ा सा हमारी तरफ ध्यान देके हमें न्याय दे। इस मासूम को पता भी नहीं होगा कि उसकी माँ उसे कहाँ लेकर जा रही है। इरादा है जयपुर में जौहर करने का। इधर शीला शेखावत के जौहर करने के ऐलान से राजस्थान पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। नतीजा ये कि हनुमानगढ़ में ही पुलिस ने इस यात्रा को 2 बार रोक दिया। हालांकि शीला शेखावत और रेणु कंवर का हौसला अभी टूटने वाला नहीं है। दोनों ने साफ साफ कह दिया है कि जब तक
गोगा मेड़ी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक दोनों शांत बैठने वाली नहीं है। हनुमानगढ़ से गुलाम नबी।